आज गुलबर्गा शहर में फ्री वैक्सीनेशन कैंप रखा गया, जो डॉक्टर अशफाक अहमद चुलबुल, एक्स मेयर एंड चेयरमैन खुसरो चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से था। मोहम्मद रफी स्कूल मोमिनपुरा वार्ड नंबर 21 में वैक्सीनेशन कैंप रखा गया। स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से वेलकम, स्वागत, खुशामदीद करता हूँ। मैं खवातीन हजरात आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम वेलकम स्वागत करता हूँ। आज के कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम की शिरकत पर मोहतरम कनीस फातिमा आ गई, मोहतरम कनीस फातिमा आ गई, रोशन हो गई महफिल, आकाश से सितारे भी होने लगे झिलमिल। मोहतरम मोहतरमा कनीस फातिमा आ गई, रोशन हो गई महफिल, आकाश से सितारे भी होने लगे झिलमिल। बज्म में आमद पर उनकी तालियां बजने लगी, बज्म में आमद पर उनके तालियां बजने लगी। सबके सब खिल उठे, मच गई धूम। बहुत सारे ये वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, मगर डरने की कोई बात नहीं। हमारे हिंदुस्तान के साइंसदानों ने ये जो ईजाद किया है, हमारे हिंदुस्तान के साइंसदान कमज़ोर नहीं हैं, बड़े ही काबिल हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी को करोना हो गया, तो वैसे वक्त में जब अचानक आप जाके जो टीका लेंगे तो नहीं हो सकता। इसलिए वो बीमारी आने से पहले ही अगर ये हम टीका अगर ले लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी कीमती चीज़ हो जाएगी। एक शेर पर मैं अपना यह ख़त्म करना चाह रहा हूँ। रजिया सुल्तान भी एक औरत थी हुकूमत की, झांसी की रानी भी एक औरत थी हुकूमत की, चांद बीबी भी एक औरत थी हुकूमत की, कनीस फातिमा भी एक हुकूमत कर रहे हैं। तमाम स्टेज पर फरमा हुए मेहमानों की शॉल पोशी और गुलपोशी भी की गई। मोहतरमा MLA नॉर्थ कनीस फातिमा के हाथों से इसकी इफ्तिताह की गई। मोहतरमा MLA नॉर्थ कनीस फातिमा ने बात करते हुए कहा कि मैं डॉक्टर अशफाक अहमद चुलबुल साहब को मुबारकबाद देती हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस कैंप को रखा और बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए ये वैक्सीन बहुत जरूरी है। कोविड की दूसरी वेव आ चुकी है और अगर तीसरी वेव आती भी है तो इसको बचने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। और कहा कि डॉक्टर अशफाक अहमद चुलबुल किसी तारीफ के मोहताज नहीं कि वो काफी जमाने से लोगों की खिदमत भी करते आ रहे हैं। पहले तो मैं अशफाक चुलबुल साहब को मुबारकबाद देती हूँ। आप इन्होंने आज वार्ड नंबर 21 में ये जो कैंप रखा है कोविड का, और काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, और ये ज़रूरी है हमारे लिए कोविड के लिए, कोविड से बचने के लिए वैक्सीन लेना, क्योंकि दो वेव्स तो आके चले गए हैं, थर्ड वेव अल्लाह ना करे कि आए। हमारी सबकी दुआ है अल्लाह ताला ये वबा को जल्द से जल्द ख़त्म करे, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला हम सेफ्टी के लिए अपनी
ये वैक्सीन ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग को इतनी सहूलत दी जा रही है कि एरिया में आप लोगों के कैंप रखा जा रहा है, आप लोग अपने घरों के करीब आके ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करती हूँ कि आप तमाम वैक्सीन ले लीजिए, आके अपने अपने घरों से सबको लेके आइए आप लोग, और ये वैक्सीन कम्प्लीट कर लीजिए। अशफाक चिंगुल साहब कोई तारीफ के मोहताज नहीं है, आप तो तमाम जानते हैं वो किस तरह से खिदमत करते हैं, कॉलेज हो स्कूल्स हो, कई लोगों को हेल्प करते हैं उन्होंने, तो इसीलिए मैं उनका बात बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी मेहरबानी से ये वैक्सीनेशन रखा गया है और तमाम को फ़ायदा हो रहा है इसका, और आप लोग ये फ़ायदा उठाइए, अपना आप आके वैक्सीन लीजिए और जल्द से जल्द आप लोग दो वैक्सीन अपने कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये वबा से बचने का बेहतरीन तरीका है। और मैं तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों ने मुझे जिता के आपकी खिदमत का मौका दिया, और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे आइंदा भी जिंदाबाद। शुक्रिया। डॉक्टर अशफाक अहमद चिलबुल, एक्स मेयर एंड चेयरमैन खुसरो चैरिटेबल ट्रस्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं जो मेरे कहने पर इतने लोगों ने इस वैक्सीनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और कहा यह प्रोग्राम गुलबर्गा की तारीख में नंबर वन प्रोग्राम हुआ है जिसमें इतने लोगों ने शिरकत की है। मैं बेइंतहा बेहिसाब खुश हूं कि मैं सोचा भी नहीं था कि सौओं की तादाद में हजारों की तादाद में वैक्सीन टीका लेने के वास्ते आएंगे। रश होने से ज्यादा पहले जो भी वैक्सीन टीका लेना चाह रहे थे उनको एंट्री किया गया, पहले एंट्री किया गया, फिर उनका नाम अनाउंस करके उनको हर एक को अलग अलग टीका दिया। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें दिलो दिमाग में गलत मत डालिए कि बगैर एंट्री का टीका दें। एंट्री हुई है, पहले शुरू एंट्री हुई फिर बाद में टीका दिया गया है, और बड़े इंसाफ से ईमानदारी से हर किस्म से अच्छा चल रहा है। और ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ गुलबर्गे की तारीख में नंबर वन प्रोग्राम हो गया है, क्योंकि मैं कई वैक्सीन प्रोग्राम में गया, इतनी पब्लिक इतनी भीड़ नहीं थी, आज की भीड़ आज की पब्लिक इतनी देख के दिल मेरा बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो गया कि बेदारी आ रही है लोगों में पहले वैक्सीन लेने के लिए डरते थे, हम जो है उनको बेदारी कर रहे हैं, तो बेदारी होने के बाद में लोग दिलचस्पी से फ़ोन कर के कहाँ पर आना कितने बजे जाना पूछ के लोग आ रहे हैं और जो टीका ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद यहाँ हमारे वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 24 के तमाम वोटर्स लोग आके यहाँ पर मैडम के सामने मौजूद थे, यानी कनीस फातिमा एमएलए साहबा यहाँ पर थे, फराजुल इस्लाम थे, असद अंसारी थे, कम्मू समद साहब थे, शफी हुंडेकार और दीगर जो इस्माइल पल्लम साहब और दीगर कई लोग बुज़ुर्ग ख़वातीन हजरात यहाँ पर आके प्रोग्राम भी सक्सेस करे, और एक कोविड का जो टीका है वो भी बहुत नंबर वन जो है होगा, जिसका मैं बहुत बहुत फर्दन 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू मेहरबान। टारगेट मेरे हिसाब से जो अंदाज़ा जो है ना 300 बोल रहे थे, 300 500 के ऊपर जाएंगे, अंदाज़ा 500 के ऊपर। डरने की कोई बात नहीं है साहब, प्राइम मिनिस्टर ले रहा है, चीफ मिनिस्टर ले रहा है, उनके दीवाने नहीं है ये पूरे MLA ले रहे हैं, हम लिए मैं लिया हूँ, लेके 5-6 महीने हुआ और मज़े में तंदुरुस्त हूँ मैं, और अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को लेने से। तो इससे गुजारिश है कि आप भी फौरन पहली फुर्सत में। फराजुल इस्लाम, असद अंसारी, कमो समत, शफीक हुंडेकर और इस्माइल पलम इस वैक्सीनेशन कैंप में मौजूद थे।